नमस्कार बच्चों, टुडे वी विल लर्न ए न्यू चैप्टर फ्रॉम द डेजी बुक ऑफ क्लास सिक्स एंड द चैप्टर इज शिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज VOYAZE वॉयज वॉइस में स्पेलिंग देख लिए वो VOY वॉय और इधर में आप एज जोड़ दें AGE एज वॉयज मतलब समुद्री यात्रा सेकंड मीन्स दूसरा समुद्री यात्रा शिंदबाद शिंदबाद किसी का नाम है द सेलर सेलर मतलब नाविक नाव चलाने वाला पानी में नाव चलाने वाला को सेलर बोलते हैं द डेफिनेट आर्टिकल है यूनिट 5 से हम लोग पढ़ रहे हैं बिफोर यू रीड द 7 वॉयज ऑफ सिंधवाद द सेलर इज ए टेल टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स ए कलेक्शन ऑफ टेल्स हैंडेड डाउन थ्रू 7 सेंचुरीज फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट अगर इंग्लिश को सही मायने में देखा जाए तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये कम से कम 3 चीज़ों को पहचानना जरूर सीखें तभी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस का मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं द 7 वॉयज ऑफ सिंधबाद द सेलर यहाँ पर 7 7 हो गया वॉयज समुद्री यात्रा हो गया सिंधबाद किसी का नाम हो रहा है सेलर नाविक यानी कि इसमें से सब मैक्सिमम नाउन है 7 एडजेक्टिव है और द आर्टिकल है ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है चलिए यहाँ पर मेरा कोई भी वर्ब नहीं हो पाया है इज देखते हैं इज एम आर वाज वर हैव को हम सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं तो देख रहे हैं कि इसमें कोई इज के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रहा है दूसरा मेन वर्ब जो होता है वो नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग इज को एज ए मेन वर्ब कंसीडर कर रहे हैं इज ए टेल टेकन फ्रॉम टेल मतलब कहानी और टेकन फ्रॉम ली गई है द अरबियन नाइट्स ए अरबियन नाइट्स किताब का नाम है ए कलेक्शन ऑफ टेल्स कौन सा है ये कलेक्शन संग्रह है ऑफ टेल्स कहानियों का संग्रह है कौन द अरबियन नाइट्स हैंडेड डाउन जो सौंपे गए हैं थ्रू 7 सेंचुरीज हैंडेड डाउन सौंपे गए हैं यानी कि 7वीं सदी से ही ये हमें सौंपे गए हैं यानी कि उस समय से उसी समय का ये द अरबियन नाइट्स लिखी हुई है किताब है और उस समय से इसको पढ़ाया जा रहा है पहला सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि द 7 वॉयज ऑफ द 7 वॉयज द 7 वॉयज ऑफ सिंधबाद द सेलर द 7 वॉयज ये मेरा टोटल सेंटेंस ये जो हो रहा है ये फ्रेज कहलाएगा और इसका यह जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है द 7 वॉयज ऑफ सिंधबाद एंड द सेलर इज ए टेल है इज मने है ए टेल कहानी टेकन फ्रॉम ली गई है एक कहानी है जो ली गई है फ्रॉम अरेबियन नाइट्स ए कलेक्शन ऑफ टेल्स हैंडेड डाउन जिसको सौंपा गया है या चलती आ रही है थ्रू 7 सेंचुरीज 7वीं सदी से ही चली आ रही है सिंधबाद रिसीव्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिज पेरेंट्स सेकंड सेंटेंस रिसीव्ड V2 का यूज किया गया है यही मेरा मेन वर्ब हो रहा है सिंधबाद मेरा सब्जेक्ट हो रहा है करने वाला सिंधबाद हो रहा है रिसीव्ड पाया यानी कि वर्ब हो रहा है सिंधबाद ने पाया क्या पाया ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ धन संपत्ति का बहुत ज्यादा मात्रा में उसके मिला किससे मिला फ्रॉम प्रीपोजिशन द्वारा दिखाया जा रहा है फ्रॉम हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से एट फर्स्ट सबसे पहले ही वेस्टेड इट केयरलेसली सबसे पहले जब उसको धन संपत्ति वेल्थ मिला फ्रॉम हिज पेरेंट्स एट फर्स्ट सबसे पहले ही वेस्टेड बर्बाद किया इट इसे किसे वेल्थ को केयरलेसली लापरवाही से बहुत ही बिना सोचे समझे उसने धन संपत्ति को खूब बर्बाद किया ऑन प्लीजर मतलब आनंद के चीज़ों में खुशी के चीज़ों में
उस धन संपत्ति को बर्बाद किया, बट लेटर रियलाइज, लेकिन बाद में, लेटर मतलब बाद में, एल यहाँ एल ए टी ई आर है, लेटर, लेटर मतलब बाद में, एल ई डबल टी ई आर अगर रहे तो वो पत्र होता है, चिट्ठी होता है, बट लेटर रियलाइज हिज मिस्टेक, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती को महसूस किया एंड वेंट आउट, और वेंट मेरा होता है गो का, वेंट होता है वी टू मतलब जाना का, गया, लेकिन यहाँ पर वेंट के साथ आउट भी दे रहा है जो एक प्रीपोजिशन है, तो इसलिए ये फ्रेजल वर्ब हो गया। वेंट आउट मतलब बाहर की तरफ गया, कहाँ गया बाहर, इन वॉयज फॉर ट्रेड, समुद्री यात्रा में गया व्यापार के लिए। ही हैड मैनी एडवेंचर्स, ही हैड मैनी एडवेंचर्स, एडवेंचर किसको बोलते हैं, साहसिक काम को। ही हैड मैनी एडवेंचर्स, उसने बहुत सारे साहसिक काम किए, इन हीज वॉयज अपने समुद्री यात्रा में, इन हीज फर्स्ट वॉयज सबसे प्रथम वाली समुद्री यात्रा में, ही ट्रैप्ड, ही वॉज ट्रैप्ड, वह फंस गया था, ट्रैप्ड मतलब फंस गया, वी टू वॉज ट्रैप्ड यानी कि पैसिव वॉइस में लिखा जा रहा है, ही वॉज ट्रैप्ड, वह फंस गया था, इन ए होल आइसलैंड सराउंडेड बाय द वेल्स, ही वॉज ट्रैप्ड इन ए वेल आइसलैंड, सॉरी होल नहीं है, वेल आइसलैंड, वेल मतलब हो गया, वेल जो मछली होती है उसके आइसलैंड में ट्रैप कर गया, फंस गया, सराउंडेड बाय वेल्स, और मछलियों को, वैसे वेल मछली जो होती है उससे घिरी हुई थी, द क्रू मेंबर्स लेफ्ट हिम, द क्रू मेंबर्स, क्रू क्या होता है, जो समुद्र जहाज को चलाने वाले सदस्य होते हैं उनको क्रू बोला जाता है, मेंबर्स लेफ्ट हिम, उनको छोड़ दिया, थिंकिंग हिम एज डेड, क्यों छोड़ दिया, थिंकिंग हिम, सोच करके उसके बारे में एज डेड, कि वह मृत हो चुका है, उसको छोड़ दिया फर्स्ट वॉयज में, बट ही मिराकुलसली एस्केप्ड, लेकिन वह आश्चर्यजनक तरीके से, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, उसको मिराकुलस बोलते हैं, वहाँ से बच निकला, रीड टू फाइंड, पढ़ें पता लगाने के लिए, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इन हिज सेकेंड वॉयज, दूसरे वॉयज में क्या हुआ, एबेंडेंड ऑन एन आइसलैंड, एक द्वीप में, आइसलैंड बोला जा रहा है द्वीप को, एन चूंकि ये नाउन है इसलिए आर्टिकल दिया जा रहा है एन, एबेंडेंड ऑन, छोड़ दिया गया, ऑन एन आइसलैंड एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, एज मेरा एडवर्ब हो रहा है, नो के लिए, नो को क्वालिफाई कर रहा है, यू सब्जेक्ट हो रहा है, जैसा आप जानते हैं, ते हैं पास्ट, पास्ट बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस होगा, एज यू नो जैसा आप जानते हैं, दैट की ऑन माई रिटर्न फ्रॉम माई फर्स्ट वॉइस, दैट की ये कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, तो फर्स्ट सेंटेंस है यू नो, सेकेंड सेंटेंस है माई रिटर्न, मेरे वापसी पर, ऑन माई रिटर्न मेरे वापसी पर, फ्रॉम द माई फर्स्ट वॉइस प्रथम यात्रा से वापसी पर, आई हैड डिसाइडेड टू स्पेंड, आई हैड डिसाइडेड, आई लाया जा रहा है प्रोनाउन और ये सिंधवाद के लिए लाया गया है, आई हैड डिसाइडेड मैंने निर्णय किया था, हैड और भीतरी दिया रहा है मतलब पैसिव वॉइस में, आई हैड डिसाइडेड मैंने, आई हैड डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया था टू स्पेंड बिताने का, द रेस्ट सिस ऑफ डेज दिनों को, ऑफ माई लाइफ अपने जीवन के शेष दिनों को व्यतीत करने के लिए बिताने का निर्णय लिया था, कैसा लिया था निर्णय, क्वाइटली चुपचाप शांत से इन बगदाद, ये वहाँ बगदाद में चुपचाप अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ डेज ऑफ हिज लाइफ को स्पेंड करने के लिए इसने सोचा था बगदाद में, बट वेरी सून लेकिन बहुत ही जल्दी, आई वॉज बोर्न आउट बाई सच ए वर्थलेस लाइफ, बट लेकिन वेरी सुन बहुत ही जल्दी, आई वॉज वर्न आउट मैं उब गया, वर्न आउट उब गया बाई सच ए वर्थलेस लाइफ ऐसे मूल्यहीन जीवन से मैं उब गया, एंड लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड मैंने यहाँ इच्छा होता है, एल ओ एन जी लॉन्ग मेरा एल ओ एन जी लॉन्ग मेरा एडजेक्टिव होता है लेकिन यहाँ ई डी जोड़ करके इसको भर्व की तरह यूज किया गया है, एंड लॉन्ग्ड वंस और मेरी इच्छा हुई, क्या इच्छा थी, वंस मोर एक बार और, टू फाइंड माई सेल्फ कि हम खुद को फाइंड करें,
क्या फाइंड करेंगे? अपॉन द सी, समुद्र पर फिर से अपने को एक बार फाइंड करेंगे, खोजेंगे, मतलब वो समुद्र की यात्रा में फिर से एक बार जाना चाहता था। एंड शो, और ऐसा, आई और इसलिए, सो मतलब इसलिए, आई इंटर द सेकेंड टाइम इन ए गुड शिप, एंड सो इसलिए आई इंटर्ड, आई के साथ इंटर्ड वी टू का यूज किया जा रहा है, आई इंटर्ड फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार के लिए मैं प्रवेश किया, कहाँ, इन ए गुड शिप, अच्छे से जहाज में, विथ अदर मर्चेंट्स, दूसरे व्यापारियों के साथ, हुम आई न्यू वर करेक्ट मैन, हुम जिनको, आई न्यू मैं जानता था, वर थे करेक्ट मैन सही व्यक्ति थे, वी वेंट फॉर आइसलैंड्स टू आइसलैंड्स, वी वेंट फ्रॉम, हम लोग गए, कहाँ गए, फ्रॉम वन आइसलैंड टू आइसलैंड, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में गए, ऑल्सो बाय मेकिंग ऑफ एन प्रॉफिटेबल डील्स, और ऑल्सो बाय मेकिंग, करते हुए, कौन क्या करते हुए, ऑफ एन प्रॉफिटेबल डील्स, प्रायः लाभदायक व्यापार को करते हुए एक द्वीप से दूसरे द्वीप में गए, सडनली वन डे, अचानक ही एक दिन, वी लैंडेड, हम लोग उतरे, यानी कि पहुँचे, एट ए स्पॉट, एक स्थान पर, वेयर, जहाँ, द लैंड वाज कवर्ड, पृथ्वी, जमीन, वाज कवर्ड, ढकी हुई थी, पैसिव वॉइस में, विथ फ्रूट्स ट्री, फल वाले पेड़ों से पृथ्वी ढकी हुई थी, एंड प्लेंटी ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्सेलेंट वाटर, और क्या था, प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में था, बहुत अधिक मात्रा में, प्लेंटी बोला जा रहा है, ऑफ स्प्रिंग, झील, ऑफ एक्सेलेंट वाटर, क्या था, झील था, हाँ यहाँ पर आइए, एंड प्लेंटी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब झरना होता है, झील, प्लेंटी मतलब अनेक, ऑफ स्प्रिंग ऑफ एक्सेलेंट वाटर, एक्सेलेंट मतलब बहुत ही अच्छे पानी के, बहुत सारे झरनों से वो पृथ्वी ढकी हुई थी, देयर वर नाइदर हाउसेस, ना तो वहाँ घर थे, देयर वर नाइदर, नाइदर के साथ नॉर लगता है, देयर वर नाइदर हाउसेस, ना तो वहाँ घर थे, नॉर इट्स हैबिटेंट्स, ना ही उसमें कोई निवास करने वाले, वाइल माई कॉम्पेनियन, जब मेरे कॉम्पेनियन वांडर्ड, भटक रहे थे, हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ, फॉर गैदरिंग, किस लिए भटक रहे थे, फॉर प्रीपोजिशन लगा के बता रहा है, फॉर गैदरिंग, इकट्ठा करने के लिए, फ्लावर्स, फूलों को, एंड फ्रूट्स, फलों को, आई सेट डाउन, मैं नीचे बैठा, सीट का पास्ट टेंस होता है सेट डाउन, इन ए शेडी पैलेस, एक छायेदार प्लेस में बैठ गया, टू टेक रेस्ट, आराम, थोड़ा सा आराम करने के लिए, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स आई फेल असलीप, कुछ ही देर के बाद मैं गहरी नींद में सो गया, आई फेल असलीप, असलीप मतलब गहरी नींद में सोना, मुझे काफ़ी गहरी नींद आ गई, नेक्स्ट, आई डिडंट रिमेंबर फॉर हाउ लॉन्ग आई स्लिप्ट, आई डिडंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए, कितनी देर के लिए, आई स्लिप्ट, मैं सोया, स्लिप का भी टू होता है स्लिप्ट, बट, लेकिन, व्हेन आई, बट मेरा कंजक्शन हो रहा है, जब, एडवर्ब हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताया जा रहा है, व्हेन आई ओपेंड, मैंने खोला, आई मैंने, ओपेंड वी टू दे रहा है, तो आई ओपेंड माई आईज, अपने आँखें खोली, एंड स्टार्टेड टू वांडर, और जब इधर उधर भटकने लग गया, स्टार्टेड प्रारंभ किया, टू वांडर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, जब यहाँ वहाँ भटकने लगा, घूमने लगा, आई वॉज शॉक्ड, मैं अचंभित रह गया, टू फाइंड, पाकर के, दैट आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, दैट मेरा कंजक्शन हो रहा है, I was alone and the ship was no more in the sea. And ship, jahaz, was, past tense, thi, no more,
बिल्कुल नो मोर मतलब वहाँ नहीं थी। कहाँ नहीं थी? सी में, समुद्र में। आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज इन ए ग्रेट ट्रबल। आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज मैं था, इन अ ग्रेट ट्रबल, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, ट्रबल मतलब परेशानी में, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस गया था। एंड सो और इसलिए, आई रस्टेड टू मैं तेज़ी से बढ़ा, आई रस्टेड टू एंड फ्रो मैं इधर उधर तेज़ी से भागा। एंड वॉज कन्फ्यूज्ड और कन्फ्यूज्ड भ्रमित भी था, वाट टू डू कि अब क्या किया जाए, वाट टू डू क्या किया जाए। आई क्राइड आउट मैं जोर से रोया, फॉर और या चिल्लाया, फॉर हेल्प, क्राइड आउट मतलब चिल्लाया, फॉर हेल्प मदद के लिए। बट देर वॉज नो वन टू रिस्पॉन्ड, लेकिन वहाँ कोई भी रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया देने के लिए या मेरी बात को सुनने के लिए नहीं था। वैन रिस्पॉन्ड एंड वैन फ्रॉम द शोर, और तब फ्रॉम द शोर मतलब समुद्र के, शोर बोलते हैं समुद्र के किनारे की तरफ से, आई शो द वेसल अंडर फुल सेल जस्ट डिसअपियरिंग अपॉन द होराइजन। और तभी वो क्या देखता है, आई शो मैं देखता हूँ द वेसल अंडर फुल सेल, वेसल फुल सेल जो जहाज में भरे हुए थे, जस्ट डिसअपियरिंग गायब हो रहे हैं फ्रॉम द होराइजन, यानी कि क्षितिज से पानी के जो सतह थे उसमें से गायब हो रहे हैं। आई विस्ट बीटरली एनफ, आई विस्ट बीटरली एनफ दैट आई हैड बीन सेटिस्फाइड टू स्टे एट होम इन सेफ्टी। आई विस्ट मैं ऐसा इच्छा कर रहा था परेशान होकर कि कितना अच्छा होता I had been satisfied to stay at home in safety, यानी कि मैं घर पर सुरक्षित अगर रहता तो वो मुझे संतुष्टि मिलती। But since लेकिन तभी wishes could do me no good, but since wishes चूँकि, since मैंने चूँकि हो रहा है, wishes could do me no good, अब जो मेरी इच्छाएँ थी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती थी। I presently took courage, मैंने तुरंत ही, took courage मतलब साहस बटोरा, साहस को जुटाया, एंड लुक्ड हियर एंड देयर यहाँ वहाँ देखा, इन सर्च ऑफ मीन्स ऑफ एस्केप यानी कि एस्केप मतलब बच करके भागना, मीन्स माने साधन, सर्च इन सर्च मतलब खोजा, देयर इन सर्च मैं वहाँ से बच के निकलने के लिए कुछ साधनों के खोज में इधर उधर भटका और देखा। देन आई क्लाइम्ड ए टॉल ट्री, तब आई क्लाइम्ड, कौन सिंधबाद प्रोनाउन है और आई और लाया गया है सिंधबाद के लिए, क्लाइम्ड ए ट्री, टॉल ट्री, टॉल मेरा एडजेक्टिव हो रहा है, ट्री मेरा नाउन हो रहा है, चढ़ गया सब्जेक्ट हो रहा है मेरा आई, और क्लाइम्ड चढ़ा, इन ए वर्ब हो गया इस सेंटेंस में, आई सब्जेक्ट हो गया, क्लाइम्ड वर्ब हो गया, ए टॉल ट्री एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, क्लाइम का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया ए टॉल ट्री, ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। आई फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ड माय वरीड लुक्ड टुवर्ड्स द सी, आई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहला एम्ड निशाना साधा या उसके उद्देश्य था, माय वरीड लुक टुवर्ड्स द सी कि समुद्र की तरफ देखें, बट फाउंड नथिंग लेकिन कुछ भी नहीं पाया, होपफुल देयर आशा के अनुरूप, सो आई रिटर्न टूवर्ड्स द लैंड और इसलिए मैं जमीन की तरफ वापस आया। एंड आई वॉज लैंड मतलब धरती की तरफ जहाँ पर था वहाँ से वो वापस आया। आई वॉज एक्साइटेड बाई द ह्यूज ग्लिटरिंग वाइट ऑब्जेक्ट, आई वॉज एक्साइटेड मैं काफ़ी उत्तेजित था, By huge glittering white objects, white सफ़ेद objects वस्तुएँ, glittering चमकने वाली और huge मतलब विशाल, बड़े बड़े सफ़ेद चमकने वाली वस्तुओं को देखकर वो काफ़ी excited था। So far off इतनी दूर that I could not make out what it might be, यहाँ तक कि that I could not make out समझ पाना, आई कुड नॉट मेक आउट मैं समझ नहीं पा रहा था वाट इट माइट बी कि यह क्या हो सकता है। आज यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड में मैं इससे आगे
फिर करूँगा। धन्यवाद।